हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल वोकेशनल पाठशाला में स्वागत है। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं ये आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है बुक, उसी का जो है पार्ट टू है। इसमें हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम नज़दीक हैं तो डेफिनेटली ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको हेल्प करेंगे अंडरस्टैंड करने में टॉपिक को, और एग्ज़ाम में भी आपको हेल्प करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। कोई भी आपका क्वेरी हो उसे कमेंट सेक्शन में आप लिखें, मुझे बताएं। किसी भी तरह का आपका डाउट हो मुझे बताएं, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाकर आपके लिए लेकर आऊँगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट टू कैरी व्हेन अटेंडिंग इंटरव्यू। जब साक्षात्कार में आप जाते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, ठीक है, तो उसमें भाग लेते समय ले जाने के लिए जो एक आपको डॉक्यूमेंट कैरी करना होता है, दस्तावेज, तो वो क्या होता है? वो कवर लेटर होता है, रिज्यूम होता है, लीव लेटर होता है, या नन होता है, उसको हम रिज्यूम कहते हैं। तो रिज्यूम आपको कैरी करना होता है जब आप इंटरव्यू देने जाते हो, जिसमें आपकी डिटेल होती है। आगे भी मैंने एक क्वेश्चन डाला है, वहाँ पर रिज्यूम के बारे में और डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। तो अभी के लिए आपको याद रखना है कि इंटरव्यू के लिए आप रिज्यूम जो है साथ लेके जाते हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके व्यक्तिगत अनुभव, कौशल और शिक्षा इतिहास का सारांश किसे कहा जाता है? समरी ऑफ योर पर्सनल एक्सपीरियंस, स्किल्स एंड एजुकेशन हिस्ट्री इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? उसी को रेज्यूम कहते हैं, जिसमें आपके पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, आपके अंदर कौन से स्किल है, कौन से काम आप कर सकते हो, और आपकी एजुकेशन हिस्ट्री क्या है, आपकी डिटेल्स सारी उसके अंदर लिखी होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यानी रेज्यूम जो है इसका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, उसमें बोला गया है द क्रूशियल स्टेप दैट ऑल फेस व्हाइल स्टार्टिंग देयर करियर। अपने करियर की शुरुआत में जो है सभी के सामने आने वाला महत्वपूर्ण कदम क्या होता है? तो वो महत्वपूर्ण कदम क्या होता है? वो होता है आपका फेसिंग एन इंटरव्यू। आपको जो है इंटरव्यू देना पड़ता है, पहली बार जब आपको जॉब चाहिए तो आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो यही इसका बी ऑप्शन सही है, ठीक है। गोइंग ऑन अ टूर या रिलैक्सिंग फीलिंग हैप्पी, इसका इस क्वेश्चन से कोई भी लेना देना नहीं है। करियर की शुरुआत में आपको इंटरव्यू देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उसमें पूछा गया है ग्राहकों के साथ उचित संचार से मदद मिल सकती है। क्या मदद मिलेगी आपको प्रॉपर कम्युनिकेशन से कस्टमर को के साथ, क्या हेल्प मिलेगी? देखिए, रिटेन कस्टमर, कस्टमर को रिटेन कर पाएंगे। हैव कस्टमर कंप्लेंट टू फ्रेंड, आपको मौका देंगे कस्टमर को अपने दोस्तों से कंप्लेंट करने का। स्विच टू कॉम्पिटेटर, यानी वो आपके कॉम्पिटेटर जो अलग प्रोडक्ट बेच रहा है उसके पास चला जाएगा। सर्च एंड अदर शॉप, दूसरी दुकान में चला जाएगा। तो उससे क्या मदद मिलती है? अच्छे कम्युनिकेशन से आपका जो कस्टमर है रिटेन होता है। रिटेन मतलब आपके पास ही रहेगा, बार बार आपसे ही सर्विसेज जो है वो लेगा या आपसे प्रोडक्ट लेगा। तो ऑप्शन नंबर एक इसका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कस्टमर रियली डैश डैश व्हेन दे हैव अ पुअर एक्सपीरियंस। जब ग्राहकों का अनुभव खराब होता है तो वे सामान्यता क्या करते हैं? तो जब ग्राहकों का अनुभव खराब होता है तो वे सामान्यता जो है रेकमेंड करते हैं दोस्तों को, या कंटिन्यू करते हैं डूइंग बिजनेस विद द कंपनी, या स्विच करते हैं कॉम्पिटेटर के पास, से बार्गेन करते हैं कंपनी को। अब अनुभव खराब हुआ है गैस ग्राहक का, ठीक है, तो क्या करेगा वो? तो वो जो है क्या करेगा, वो खराब एक्सपीरियंस में ना तो रेकमेंड तो नहीं करने वाला, दूसरे दोस्तों को नहीं बताने वाला ऐसा कि भाई यहाँ पे जाओ, यहाँ से आपने सर्विसेज लेनी है, यहाँ से आपने प्रोडक्ट लेनी है, ये तो गलत है। आपके साथ जो है, आपकी कंपनी के साथ जो है कंटिन्यू करेगा बिजनेस को, बी ऑप्शन, तो ये भी गलत है। ऐसा तो करने वाला वो नहीं है जब आपने उसको गलत सेवाएं दे दी है, गलत एक्सपीरियंस उसका हो गया है। तो वो क्या करेगा, वो स्विच करेगा कॉम्पिटिटर को, यानी कि जो आपकी ही तरह सेवा देने वाला या उत्पाद बेचने वाला व्यक्ति है उसके पास वो चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, ठीक है, जब उसका एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एन एम्प्लॉय कम्स लेट टू द ऑफिस एवरी डे। एक एम्प्लॉय जो है डेली जो है लेट आता है ऑफिस के लिए, तो ही इज नॉट, वो क्या नहीं है? तो कर्मचारी जो रोज कार्य में देर से आता है वह नहीं है, वो जो है क्या नहीं है? वो साइलेंट नहीं है, वो पंचुअल नहीं है, वो कॉन्फिडेंट नहीं है, क्लीन नहीं है। तो वो व्यक्ति क्या नहीं है? वो व्यक्ति जो है पंचुअल नहीं है, ठीक है, वो जो है डेली टाइम से नहीं आता, पंचुअलिटी नहीं है उसके अंदर, ठीक है। यानी कि वो डेली क्या होता है, देर से आने वाला व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, पंचुअल बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, तो उसको पंचुअल नहीं बोलने वाले। और तीनों ऑप्शन है बाकी गलत है, ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही है, उसको हम पंचुअल बोलते हैं, मतलब पंचुअल नहीं बोलेंगे उसको। और जो व्यक्ति डेली आ रहा है, मान लो, ठीक है, जो व्यक्ति डेली टाइम पे आता है उसको हम पंचुअल कहते हैं, ठीक है, दिल्ली टाइम से आने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वी स्पीक टू पीपल इन अवर वर्क प्लेस और पीपल इन अथॉरिटी, वी नीड टू, जब हम अपने कार्यस्थल पर लोगों या प्राधिकरण में लोगों से बात करते हैं तो हमें आवश्यकता होती है। तो जब हमें अपने आसपास जो हमारे लोग होते हैं जहाँ पे हम काम करते हैं, या बड़े लोगों से यानी अपने जो बॉस से हम काम करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उनसे जो है स्पीक हार्शली एंड अनमाइंडफुली ऑफ जेंडर, हमें जो है किसी तरीके से हार्शली, गुस्से से, और कोई ध्यान नहीं रखना है जेंडर का, वो लड़का है, लड़की है, मैन है, वुमेन है, ऐसे बात करनी है? नहीं, ये भी गलत ऑप्शन है, ऐसे नहीं करनी है। ऑप्शन नंबर बी में बोला है, स्पीक केयरफुली एंड शो रिस्पेक्ट इन अवर चॉइस ऑफ वर्ड्स। बिल्कुल, आपको अपने सुपीरियर से, अपने साथियों से, सहकर्मियों से जो है केयरफुली बात करनी है और रिस्पेक्ट दिखाना है अपने वर्ड्स में, ठीक है। सी ऑप्शन भी गलत है, यहाँ पे यूज एब्यूसिव लैंग्वेज का है, गालियाँ तो नहीं देनी है, बी रूड, रूड तो होना ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही है, स्पीक केयरफुली एंड शो रिस्पेक्ट इन अवर चॉइस ऑफ वर्ड्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ, ये जो है आपके आईसीटी से है, कंप्यूटर से जुड़े हुए क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन दैट कैन बी सेंट थ्रू द इंटरनेट टू मेनी पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड इज कॉल्ड। जो औपचारिक लिखित संचार का इलेक्ट्रॉनिक रूप से इंटरनेट के माध्यम से दुनिया भर के लोगों को भेजा जा सकता है संदेशों से क्या कहते हैं? तो देखो, इंटरनेट में तो आपको पता है, इंटरनेट में हम व्हाट्सएप भी एक तरीका है मैसेज करने का, ठीक है, पर वो फॉर्मल तरीका नहीं होता, उसे हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो फॉर्मल तरीका क्या होता है इंटरनेट के द्वारा? तो वो होता है ईमेल से।
ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक जो मेल होती है, जीमेल आपका है, याहू मेल है, या आपका हॉटमेल है, इन सबसे जो आप मेल करते हो प्रॉपर तरीके से लिखते हो टू द या डियर जो भी है रिस्पेक्टेड सर, ऐसे करके प्रॉपर तरीके से फॉर्मल भाषा में, औपचारिक भाषा में, जहाँ भी कोई भी उस तरह का जो है पर्सनल लेवल का कोई कंटेंट ना हो, उसे हम ईमेल से भेजते हैं। तो यही आपका जो है सही है इस क्वेश्चन का कि औपचारिक तरीके से लिखित संचार का इलेक्ट्रॉनिक रूप जो क्या है वो ईमेल है। तो ये सारे क्वेश्चन जो अभी आप देख रहे हो, कुछ इसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन है, कुछ इसमें इंटरपर्सनल स्किल्स के हैं, कुछ इसमें जो है आपके लैंग्वेज से जुड़े हुए हैं, भाषा से जुड़े हुए क्वेश्चन भी हैं। तो डेफिनेटली ये आपका पार्ट वन है, सॉरी आपका जो जो पार्ट टू है वीडियो का हम लेकर आए हैं। आगे भी ऐसी चीज़ें लेकर आएंगे आपके लिए, मैं पूरा कोशिश करूँगा कुछ दिनों में पूरी वीडियोस। तो इस सीरीज के मैं जितने भी वीडियोस डालूंगा अपने चैनल पे वो सभी आप देखें, ठीक है। मैंने जितने भी वीडियो डाले होंगे आप, मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा अलग से जो हमारे ITI के सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, तो आप उस पूरी लिस्ट को देख सकते हैं। डेफिनेटली वो आपको हेल्प करने वाला है एग्ज़ाम में, ठीक है। फिर भी किसी स्टूडेंट का डाउट है तो मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल, मेरा कोई और ऐसा नहीं है कि मैं कोई अलग से कंटेंट बनाता हूँ और कोई ऐप पे उसको बेचता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपसे रिक्वेस्ट है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, आपने नहीं करा तो अभी भी सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी दबाएँ ताकि जब भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आए तो वो आपको मिले। और अपने दोस्तों के भी शेयर जरूर करें अगर आपको अच्छा लगा होगा मेरा कंटेंट। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, औपचारिक संचार का सबसे प्रभावी तरीका है। तो औपचारिक संचार का सबसे प्रभावी तरीका क्या होता है, तो वो होता है ईमेल ही। यहाँ पे चैटिंग नहीं होता, चैट तो हम व्हाट्सएप पे करते हैं, टेलीग्राम पे करते हैं, वो नहीं। ट्वीटिंग नहीं होता, वो भी इनफॉर्मल ही तरीका है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। टाइपिंग तो कुछ भी नहीं है, टाइपिंग तो टाइप करना है, कहीं पे भी टाइप कर लो तो ये तो बनता ही नहीं। तो ईमेल ही मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन है। अब आप कहोगे सर इनमें से, वैसे तो अगर लेटर लिख रहे हो प्रॉपर तरीके से, चाहे लेटर में कागज में लिख रहे हो तो वो भी फॉर्मल तरीका है, आप अपने बॉस को लिख रहे हो, पर यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है तो ईमेल ही है इसका सही ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन फिर से कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, यानी कि इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। सीसी इन ईमेल मींस, ईमेल में सीसी का मतलब होता है, जब भी आपने देखा होगा जीमेल ज्यादातर लोग आप ऐसे यूज करते होंगे ऊपर ना, जब टू पे हम क्लिक करते हैं तो वहाँ पे टू पे तो चलो किसी को भी ईमेल आईडी भेजनी है, x@gmail.com, y@gmail.com, z या ए, सीसी भी होता है वहाँ पे, फिर बीसीसी भी होता है। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, ठीक है। कार्बन कॉपी का मतलब है जैसी मेल एक बंदे को जा रही है, मान लो फॉर एग्जांपल ए पर्सन को, मान लो रमेश को जा रही है, वैसी ही मेल सीसी में आप जो है दिनेश को भी भेज सकते हो, आप जो है कृति को भी भेज सकते हो। इस तरीके से सीसी में जितने लोग रखे होंगे उनको पता लग जाएगा कि ये और किस किस को ये मेल गई है, ठीक है। तो कार्बन कॉपी ही इसका सही ऑप्शन है। चिल्ड सारे बाकी जो ऑप्शन है, चेयर कॉपी, चाइल्ड कॉपी, चार्ट कॉपी गलत है। सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी, आपको ये याद रखना है, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बीसीसी ईमेल, सेम सीसी के नीचे आपको जीमेल पे या किसी पे मिलेगा बीसीसी लिखा हुआ। बीसीसी का मतलब होता है आपका ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या होता है, जब आपने अब बीसीसी में क्यों करेंगे मेल को, बीसीसी मान लो फॉर एग्जांपल आपने रमेश को भेजनी है, कृति को भेजनी है और दिनेश को भेजनी है, दिनेश को आप ऐसे भेजना चाहते हो कि कृति को और रमेश को पता ना लगे, तो इसलिए जो है क्या करेंगे आप ब्लाइंड कार्बन कॉपी से उसको मैं उसका आईडी टाइप करेंगे और वहां से भेजेंगे, तो उन दो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि उसको भी मेल गई है तीसरे बंदे को, तो इसलिए बीसीसी में उसको रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हेन यू सेंड योर रिज्यूम थ्रू ईमेल, जब आप ईमेल से अपने रिज्यूम को भेजते यू आर सेंडिंग इट, तो किस तरीके से भेज रहे हो आप इसको, ईमेल से भेज रहे हैं, ड्राइवर में, अटैचमेंट में, मार्क टेक्स्ट में, कुकी एडवर्टीजमेंट में। तो देखो ड्राइवर में तो नहीं है, ड्राइवर जुड़ा हुआ है, ड्राइवर ही गाड़ी वाला ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर होते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, तो ड्राइवर नहीं है वो, सॉफ्टवेयर हम वो इंस्टॉल करते हैं वहाँ पे ड्राइवर पड़े होते हैं, तो वो नहीं है, वो थोड़ा टेक्निकल टर्म है। सेकंड ऑप्शन है अटैचमेंट, तो अटैचमेंट में हम भेजेंगे अपने रिज्यूमे को, अटैचमेंट आप सभी जानते हो जीमेल पे जब हम जाते हैं तो वहाँ पे अटैचमेंट लगाते हैं, तो अटैचमेंट में आपका पीडीएफ होता है, वर्ड फाइल होती है, आपकी एक्सेल फाइल होती है जीमेल पे ही या किसी और मेल पे, वहाँ पे अटैचमेंट हम लगा के रिज्यूमे को भेजते हैं। आपने भेजा भी होगा या अभी नहीं भेजा तो आप ट्राई करना, अटैचमेंट वहाँ पे ऑप्शन होता है, अटैच करके उसको भेज देना, ठीक है। मार्क टेक्स्ट कुकी अटैचमेंट इसका ऑप्शन नहीं है, इसका जो है जो सही ऑप्शन है वो है आपका अटैचमेंट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है, व्हेन योर क्लासमेट इज गिविंग सजेशन और योर परफॉर्मेंस यू आर रिसीविंग, जब आपका सहपाठी आपके प्रदर्शन पर सुझाव दे रहा है तो आप क्या प्राप्त कर रहे हैं। जब आपका सहपाठी आपके प्रदर्शन पर सुझाव दे रहा है, आपने कुछ का परफॉर्म किया है, आपने डांस किया, आपने कोई डेक्लेमेशन भाषण दिया है, कुछ भी किया है स्टेज पर, और आपका दोस्त कह रहा है बहुत अच्छा था आपका डांस, या वो कह रहा था यार वो वाला स्टेप अच्छा से नहीं हुआ आपका, ठीक है, तो वो आपको क्या दे रहा है, वो आपको फीडबैक दे रहा है। आप इंस्ट्रक्शन नहीं करो, एलिवेटर पिच नहीं है, एंड वार्ड नहीं, तो फीडबैक प्रतिक्रिया वो दे रहा है, जब भी आप कुछ करते हो या कन्वर्सेशन कर रहे हो, आपने कुछ उसको बताया है तो वो फीडबैक दे रहा है, मुझे ये बात समझ नहीं है, ये नहीं, पर आपने परफॉर्म किया है अभी स्टेज पर, ठीक है, कोई डांस किया, म्यूजिक कुछ भी गाना गाया है, तो उसमें वो क्या देगा आपको, फीडबैक देगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है फिर से कंप्यूटर से, पावर पॉइंट फाइल्स हैव डेस्कटॉप एक्सटेंशन, जो आपके पावर पॉइंट फाइल्स है उसमें कौन सी एक्सटेंशन होती है, डॉट होती है सब में, तो डॉट करके जो होगी DOC नहीं हो सकती, XLS नहीं हो सकती, XLS तो एक्सेल का है, DOC डॉक्यूमेंट का है, JPEG तो फोटो का है, तो PPTX.PPTX इन ऑप्शन नंबर डी जो है पावर पॉइंट की जो है क्या होती है, एक एक्सटेंशन होती है, जैसे मैंने भी ये फाइल बनाई है पावर पॉइंट भी बनाई है, तो ये भी .PPTX में सेव होगी, जो लास्ट में मान लो फॉर एग्जांपल इस फाइल का नाम है मान लो ITI.
PPTX ऐसे हो जाएगा इसका नाम सेव, ठीक है। तो इस तरीके से इसको पता लग जाएगा ये पावर पॉइंट का फोल्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शॉर्टकट की जो कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल एस मीन्स, इसका क्या मतलब होता है। तो ये कोपा वालों को तो पता ही होगा, बेसिक क्वेश्चन है, सब यूज़ करते हैं। कंट्रोल सी कंट्रोल वी जब हम दबाते हैं कीबोर्ड पे, तीनों ऑप्शन अलग अलग हैं। इसका जो सही ऑप्शन कंट्रोल सी का मतलब है कॉपी करना, कंट्रोल वी का मतलब है पेस्ट करना, कंट्रोल एस का मतलब है सेव करना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या है सही है। इस तरीके से जो है हम एंड में पहुँच गए डॉक्यूमेंट के, सारे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। तो इसी तरीके से मैं ढेर सारे क्वेश्चन आपके लिए लाने वाला हूँ, मेरे जो अदर वीडियोज़ हैं आप उनको जरूर देखें, आपको कार्ड में भी यहाँ पे दिख रहे होंगे, मैं कार्ड लगा दूँगा एंड में इसके, तो रिकमेंडेशन में भी आ जाएंगे। तो डेफिनेटली आप वोकेशनल पाठशाला में वो सब देख सकते हैं और दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। हमारा चैनल का नाम भी वोकेशनल पाठशाला इसीलिए है, वोकेशनल जितने भी व्यवसाय से जुड़े हुए ट्रेड्स हैं, चाहे वो कोई भी हो, जितने भी ट्रेड्स हैं वो ITI के हैं, चाहे कॉलेज के हैं, चाहे वो स्कूल लेवल के हैं, उसके लिए हम कंटेंट लेकर आते हैं। कोशिश यही रहती है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो और फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आते हैं, ठीक है। तो अब अभी भी जो है आप कमेंट जरूर करें, मुझे बताएं फीडबैक कैसा लग रहा है आपको मेरा कंटेंट, और वॉइस में कोई प्रॉब्लम है, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है, एक्सप्लेनेशन में कोई इशू आ रहा है, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है, मैं उसको रिप्लाई आपको चैट में कमेंट सेक्शन में कर दूँगा, ठीक है। तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।